दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पॉलिटेक्निक में फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का रिजल्ट कब आने वाला है, उसके एडमिशन में आपको कितने टाइम लगेंगे। इसके अलावा मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपको अवेलेबल नहीं हैं, और आपका अगर सही से रिजल्ट आ जाता है तो 22 तारीख तक अगर लगभग शाम तक आपको रिजल्ट देखने को भी मिल जाएगा, तो कितने दिन का टोटल टाइमिंग मिलेगी और उसमें आपको क्या क्या करना है, एफिडेविट क्या होता है, और इसके अलावा आपको हेल्थ सर्टिफिकेट वगैरह कैसे बनवाना है, कहाँ से बनवाना है, ईच एंड एवरी थिंग आपको जो है वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। और किसी प्रकार की अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी तो उसका सॉल्यूशन भी आपको किया जाएगा। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि पॉलीटेक्निक में इस बार ऐसा हुआ है कि आपको जो है किसी प्रकार की ऑफिशियल अपडेट कहीं भी आपको वेबसाइट पे देखने को नहीं मिली होगी, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी काउंसलिंग चल रही है, ऑलरेडी आप तो देख ही रहे हो, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्या हुआ था कि पहले जो आप लोगों का चॉइस, आपका जो अनलॉक दिखा रहा था, आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक स्टूडेंट का, मतलब ये मैंने काउंसलिंग किया था तो ये चॉइस इनका अनलॉक्ड है, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको बताऊँ कि जैसे आप लोगों का टाइम बीता तो सिस्टम के तरफ से ऑटोमेटिक लॉक कर दिया गया, ठीक है, और सिस्टम लॉक्ड आपका हो गया है। इसका मतलब है कि आपको जो है सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज या फिर जो भी पॉलिटेक्निक कॉलेज आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको मिलना है वो चीज़ें आपकी यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। कितना टाइम लगने वाला है, क्या क्या प्रोसेस होने वाला है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि इस बार जो है आपके पास किसी प्रकार का, ठीक है, हेल्प सेंटर की लिस्ट आपकी अभी तक जारी नहीं की गई है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि अगर हेल्प सेंटर की लिस्ट नहीं भी जारी की गई है, फिर भी आप इतना मान करके चलिए कि जो आपके ज़िले का राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान है वहीं पर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होने वाला है, ठीक है। और सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न जो आपके दिमाग में है वो आपका एफिडेविट को लेकर के है, ठीक है। तो मैं एफिडेविट के बारे में बता देता हूँ, एफिडेविट क्या होता है और ये कैसे बनेगा, किस लिए बनता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपको ये जानना है कि एफिडेविट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये बनता किस लिए है। एफिडेविट आपका दोस्तों इसलिए बनता है, ठीक है, एफिडेविट आपका दोस्तों इसलिए बनता है ताकि आपको जो है 100% अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, तो उस डॉक्यूमेंट के स्थान पर आप लोगों का जो है ये एफिडेविट बनवाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों का जो हेल्थ सर्टिफिकेट है, जो कि आप लोगों को, मुझे उम्मीद है अगर कल रिजल्ट आ जाता है और अगर किसी को कॉलेज अलॉट हो गया है तो आपको जो है 100% जो है आपको हेल्थ सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा, ठीक है। हेल्थ सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा और हेल्थ सर्टिफिकेट आप वहाँ से ज़रूर बनवा लीजिएगा, ठीक है। तो ये मुझे उम्मीद है कि आप लोग इतनी बात तो काम कर ही लेंगे अपना। सेकंड आपका ये है जो कि एडमिशन से लेके, देखिए यहाँ पे अगर सब कुछ सही होता है तो 22 तारीख को आप लोगों का फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट का लिखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है, वो आप लोगों का 22 तारीख को है। 22 अगस्त को आप लोगों का सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो 23, 24, 25, 26, ठीक है, जो आप लोगों का बाकी चार है, ठीक है, चार दिन जो है आप लोगों का जो कि है आपके पास 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 26 अगस्त, ठीक है। इन दिनों में आपको क्या करना है कि इसमें आपको सिंपल एक प्रोसेस करना है कि अगर आपको जो कॉलेज अलॉट होता है तो फिर अगर आपको वो कॉलेज पसंद है तो फ्रिज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और मान लीजिए कि अगर आपको वो कॉलेज पसंद नहीं है तो आपको जो है फ्लॉट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो फ्रीज एंड फ्लॉट के ऑप्शन पे आपको ये चीज़ें क्लियर करनी है, ठीक है, फ्रीज और फ्लॉट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और इसी में आपका एडमिशन होगा। एडमिशन में मतलब क्या कि इसी में आप लोगों को जो है सिक्योरिटी फ़ीस भी पेमेंट करनी है, जो सिक्योरिटी फ़ी होगी। इसके अलावा इसी में आपको जो है अपना टोटल पूरा का पूरा एडमिशन फ़ी भी पेमेंट करना है और फाइनल भी एडमिशन कराना है। हर बार के काउंसलिंग में आपको मैं बता देता हूँ कि आपको जो है 3 से 4 दिन का मैक्सिमम समय मिलेगा, उसके बाद आप लोगों का जो है ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और 23 अगस्त से जिन्होंने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग अपनी नहीं की थी वो लोग जो है अपना 23 अगस्त को क्या कर सकते हैं, अपने चॉइस में बदलाव कर सकते हैं, चॉइस को फिल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो सबसे पहले जो डायरेक्ट सेकेंड मतलब सेकेंड राउंड में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ, 23 अगस्त को उनका चॉइस फिलिंग का प्रोसेस शुरू होने वाला है, ठीक है, ठीक है ना। तो सेकेंड राउंड का जो चॉइस फिलिंग है आप लोग का 23 तारीख से लेकर के आपका ये 26 तारीख तक चलेगा, ठीक है, कोई समस्या की बात नहीं है।
और सेकेंड राउंड का जो रिज़ल्ट है आपका ये 27 तारीख को डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। यानी 27 अगस्त को जो है आप सेकेंड राउंड के रिज़ल्ट को देख सकेंगे, और फिर जब सेकेंड राउंड का रिज़ल्ट निकलेगा तो सिमिलर प्रोसेस आपका होगा, ठीक है। सिमिलर प्रोसेस कहने का मतलब ये है कि फिर वही जो प्रोसेस आपका सामान्य होता है कि पॉलिटेक्निक में आपको आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे सारी चीज़ें होंगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर एडमिशन फ़ीस या 3,000 रुपये की सिक्योरिटी फ़ीस, तो बिल्कुल सेम सेम चीज़ें आपकी चलेंगी। तो यही प्रोसेस आपका जो है बार बार रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो पांडे जी टेक्निकल 2.0 चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पांडे जी टेक्निकल 2.0 चैनल भी हमारा चैनल है, और यहाँ पर आप अपनी सारी अपडेट ले सकते हैं।